ये भाई हमने लिया भटूरा अपना और ये छोले एकदम लग पंजाबी छोले रहे हैं एकदम एकदम भाई है ना गजब है। हाँ हाँ ये देखिए ये भटूरा मेरे हिसाब से करोल बाग के ये जो 40 रुपए वाले छोले हैं किसी भी बड़े रेस्टोरेंट के होटल के छोले भटूरों को भाई मात दे रहे हैं कि नहीं दोस्तों। छोले भटूरे तो मुझे कहीं भी मिल जाए कभी भी मिल जाए मुझे एक बार ट्राई ज़रूर करने हैं। आज मैं हूँ करोल बाग की गुरु नानक मार्केट में और हमें लेकर आए हैं यहाँ पर बब्बर दिल्ली वाला मेरा दोस्त। कैसा है अक्षय भाई? बढ़िया एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। अक्षय जो है फूड ब्लॉगर हैं दिल्ली के बड़े फेमस फूड ब्लॉगर हैं और बड़ी नई नई जगह एक्सप्लोर करते रहते हैं। इनसे बात हो रही थी अक्षय से तो इन्होंने बताया कि भाई एक हिडन जैम के पास लेके चलता हूँ आपको छोले भटूरे की ऐसी शॉप जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। एग्जैक्ट लोकेशन क्या है अक्षय और आपको कैसे पता लगा यहाँ के बारे में? जो ये है कि यहाँ पर ये मेन मार्केट के पीछे है गुरु नानक मार्केट जो है ठीक है तो यहाँ पर ये मुझे पता लगा मेरी वाइफ है ठीक है मेरी वाइफ ये यहाँ खाती है उनको ऑफिस पीछे ही है पर ठीक है तो वहाँ पर एक खाती है उन्हें बट टेस्ट किया मुझे पापा बोला भी है पर ट्राई करो मैंने कभी ट्राई किया नहीं मैं कहा ऐसे ही होगा कोई बट जब मैंने इसका ट्राई किया तो मेरे एकदम थिंकिंग बदल गई भाई एकदम उसकी इतना टेस्टी और एकदम डिफरेंट छोले भटूरे इसके फीलिंग भी इसकी अच्छी है पनीर की फीलिंग आती है छोले भी एकदम डिफरेंट है तो टेस्ट उसका भाई बहुत ही ऑसम है। और सबसे बड़ी बात ये बोला कि आपने सिर्फ 40 रुपये प्लेट है 40 रुपये की प्लेट है बस। आजकल जितने भी आप चले जाओ कुछ भी कर लो मगर 80, 90, 100, 150 की प्लेटें मिलती है बट इनका जो इस टाइम प्राइस है एकदम रीजनेबल प्राइस है और एकदम बढ़िया प्राइस है। पैसा वसूल 40 रुपये में मतलब ये अगर आप खाओगे तो खाते रह जाओगे ऐसा यहाँ पर टेस्ट है इसका। सही होगा कि भाभी जी की जो चॉइस है उनका टेस्ट है नंबर एक है नंबर एक एकदम नंबर एक ही है नंबर एक है बहुत बढ़िया। चलिए एक बार टेस्टिंग करेंगे ट्राई करके बताएंगे आपको कैसे हैं छोले भटूरे क्या खास है कि अक्षय इस छोले भटूरे की इतनी तारीफ कर रहा है। चलिए टेस्टिंग करते हैं। तो दोस्तों ये आ गए हैं बब्बर दिल्ली वाला अक्षय के फेवरेट छोले भटूरे जो आजकल बने हुए हैं इनके फेवरेट और हम खा के देखते हैं कैसा टेस्ट है। पहले इनकी फीलिंग दिखाते हैं आ जाइए ये देखिए हाँ 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 फिलिंग की हुई है लेकिन कम है धनिया है इसके अंदर धनिया है इसमें फिलिंग इसकी यही है अभी ठीक है। आई थिंक इन्होंने प्लेन बनाया इस टाइम हमारे छोले भटूरे प्लेन है। चलो ठीक है कोई बात नहीं एक बार आप इसको टेस्ट करो पहले टेस्ट करते हैं ठीक है। आपको मैं लेके आया हूँ तो एक बार पहले आप टेस्ट करो कि खाने में है कैसे। देखो भटूरे तो लगभग हर जगह के एक जैसे होते हैं एक तरह के होते हैं थोड़ा कम सॉफ्ट होता है ज़्यादा होता है लेकिन छोले का जो टेस्ट होता है ना टेस्ट में छोले का जो टेस्ट होता है ना वो छोले भटूरों को और जायकेदार बनाता है। चलिए देखते हैं कैसे टेस्ट है। अक्षय लेके आए हमें यहाँ पे अक्षय पकड़ना एक सेकंड बहुत बढ़िया। ये भाई हमने लिया भटूरा अपना और ये छोले एकदम लग पंजाबी छोले रहे हैं एकदम एकदम भाई है ना गजब है इसका। हाँ हाँ ये देखिए ये भटूरा बहुत ही ज़्यादा मसालेदार नहीं है छोले एकदम लाइट छोले हैं नपे थोड़े मसाले डाले हुए हैं देखा जाए स्पाइसी का हो स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं है ठीक है एक नॉर्मल होता है टेस्ट एक नॉर्मल ब्लेंड छोलों का वो चीज़ है इसमें इतना कोई नमक भी नहीं है इतनी कोई मिर्चें भी नहीं है बट स्टिल जो उसका टेस्ट है जिसमें मसाले यूज़ किए गए हैं वो एकदम डिफरेंट और यूनिक है मतलब कि टेस्ट थोड़ा अलग है इसका। नपे तुले मसाले हैं गले में जाके नहीं लग रहे हैं जो अक्सर लगता है कि भटूरे में आपने ज़्यादा मसाला खा लिया है तो आपका पेट खराब होगा या आपके गले में लगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे हिसाब से करोल बाग के ये जो 40 रुपए वाले छोले हैं किसी भी बड़े रेस्टोरेंट के होटल के छोले भटूरों को भाई मात दे रहे हैं कि नहीं। यही बाहर जाओ या भाई यहाँ पर और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं छोले भटूरों के बहुत सारे ब्रांड्स हैं वहाँ पर आपको यही सेम प्लेट और यही सेम टेस्ट मिलेगा 160 रुपए का 200 रुपए का 180 रुपए का बट ये सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए का चीज़ अलग है भाई एकदम 40 रुपए में पैसा वसूल है साथ में प्याज दी गई है इनका अचार दिया गया है। अच्छा ये बताओ मैं आप छोले भटूरे हफ्ते में कितनी बार खाते हो? भाई देखो मेरा बचपन से मेरा है सीन ये आज उम्र हो गई 30 साल हर संडे को मैंने छोले भटूरे खाने ही खाने हैं। अच्छा। मेरी फैमिली में या तो छोले भटूरे या छोले भटूरे आने ही आने हैं और खाने हैं उसको। अच्छा, छोले भटूरे की वजह से क्या हाइट बढ़ती है ऐसा ऐसा भी है? नहीं भाई मेरे पापा की हाइट है। अच्छा। मेरी मम्मी की भी अच्छी हाइट है। अच्छा। तो मेरी भी हाइट है। अच्छा। और मैंने पहले मैंने बहुत खेला हुआ बास्केटबॉल जिमिंग एंड और मैंने बड़ा किया हुआ है
तो उसकी वजह से बस भगवान की दुआ है भाई, वो भगवान की कृपा है जो हाइट बढ़ी हुई है तुम्हें। छोले की दुआ मतलब छोले भटूरे की वजह से, छोले भटूरे तो ये है। मेरे हिसाब से अक्षय हमें लेके आया यहाँ पर बहुत अच्छे छोले भटूरे, एक बार आके ज़रूर आपको ट्राई करनी चाहिए। और ट्राई करके हमें कमेंट करके बताइए कि कैसे लगे आपको। सिर्फ 40 रुपये में छोले भटूरे हैं, बढ़िया छोले भटूरे हैं, और 30 रुपये में सिंगल भटूरा मिलता है। तो दोस्तों ये है करोल बाग में अमन स्नैक्स, छोले भटूरे राजमा चावल मिलते हैं 3 नंबर गेट के बिल्कुल सामने। एक्चुअली सामने एकदम सामने पूरी मार्केट से आप एकदम स्ट्रेट आ रहे हो आगे, यहीं पर ही आपको कोने में मिल जाएंगे ये। ज़रूर आइए, ट्राई कीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, अक्षय के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। बता दें अक्षय भाई क्या नाम है चैनल का? बब्बर दिल्ली वाला, BABBARDILLIWALA, बब्बर दिल्ली वाला, हर जगह हमारा सेम है, यूट्यूब इंस्टाग्राम फेसबुक। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।